सिर्फ एक मरतबा द्रूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तमाम कब्रस्तान वालों को बख्श दिया यह इसम सिर्फ़ इकतालीस मरतबा पढ़ें हाफसा मरते दम तक मजबूत से मजबूत रहेगा बच्चों को भी करवाएँ नहमदू वन सल्आला रसूल कर कर करीम बसमिल्लर हम् नस अल काम नाफ़ीअम तय्यब अम अम तकबला वालेकुम इस कायनात में हर चीज़ फ़ानी है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है जब हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है तो हम उसके लिए बहुत ही परेशान होते हैं हमें ये जानने की जस्तजू रहती है कि वो किस हाल में है तो आज के इस अमल से इन हम यह जान सकेंगे कि जो भी हमारा फौत हो गया है वो किस हाल में है किसी औरत ने हसन बसरी रमत के पास हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरी लड़की का इंतकाल हो गया है मैं चाहती हूँ कि इसको ख्वाब में देख लूँ तो आपने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़ कर चार रकत नफल नमाज इस तरह पढ़ो कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अत तक यानी सुरत तकास मुत तक पढ़ा जाए पूरी सूरत इसके बाद लेट जा और सोने के वक्त तक नबी करीम अलैहि वसम पर द्रुद पढ़ती रहे चुनाची उस औरत ने ऐसा ही किया और ख्वाब में देखा कि लड़की सख्त अजाब में मुब्तला है जिस पर स्या लिबास है और उसके दोनों हाथ जकड़े हुए हैं और पैर आग की जंजीरों में बंधे हुए हैं इस औरत का बयान है कि मैं सुबह उठ फिर हज़रत हसन बसरी रहमत की खिदमत में हाज़िर हुई और जो कुछ देखा अर्ज़ किया तो उन्होंने अर्शात फरमाया कि इसकी तरफ़ से कुछ सदका कर मुमकिन है कि उसके सबब अल्लाह ताला तेरी लड़की को माफ़ फरमा देगा चुनाचे अगले रोज़ खुद हजरत हसन बसरी ने ख़्वाब में देखा कि जन्नत के एक बाग में बहुत ऊंचा तख्त है जिस पर नहायत हसन वमील लड़की बैठी हुई है जिसके सर पर नूर का एक ताज है उसने कहा हसन तुमने मुझे पहचाना उन्होंने फरमाया नहीं तो कहने लगी मैं वही लड़की तो हूँ कि जिसकी माँ को आपने दरुद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था यह सुनकर हजरत हसन अलैह ने फरमाया कि तेरी माँ ने तो तेरा हाल बिल्कुल बरअक्स बताया था तो उसने अर्ज़ किया कि वाकई मेरी व हालत वही थी जो मेरी माँ ने बयान की थी फिर मैंने पूछा कि आखिर ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ लड़की ने बताया कि हम सत्तर हज़ार आदमी इसी अजाब में मुबतला थे जो मेरी माँ ने आपसे बयान किया था इतने में अल्लाह के किसी नेक बंदे का गुज़र हमारे कब्रस्तान पर हुआ और उन्होंने एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब हम सब को पहुँचा दिया और उनका ये दरूद अल्लाह के यहाँ ऐसा मकबूल हुआ कि इसकी बरकत से हम सब के सब इस अजाब से आज़ाद कर दिए गए सुबहान अल्ला दरूर शरीफ की ये बरकत और फजाइल हैं हमें भी चाहिए कि हम जिस टाइम भी किसी भी कब्रस्तान के करीब से गुजरें चाहे वो उसमें हमारा कोई जानने वाला हो या ना हो फिर भी अव्वल आखिर दरुद पाक एक मरतबा सुर फातह और तीन मरतबा सुर अखलास पढ़ कर उनको हदिया कर दें इस तरह कह के अल्लाह मेरी तरफ से ये हदिया तमाम कब्रस्तान वालों को पहुँचा दे तो इन अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी ऐसे ही सबब और वसीले बनाए रखेगा आज का हमारा छोटा सा एक वजीफ़ा भी है कि अगर किसी का हाफसा कमज़ोर हो तो सुबह और शाम इकतालीस दफ़ा या बाकी यानी अल्लाह ताला के नामों में से है या बायू पढ़ने का मामूल बना लें तो आखिरी उम्र तक हाफसा ठीक रहेगा अगर बच्चा को दम करके पिलाएं तो बच्चा ज़हीन हो जाएगा इनशा आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबालमीन जजाक़ीरा